नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या के मामले पर। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो लिंग भेद के चलते बेटियों को या तो कोख में ही मार देते हैं या पैदा होने के बाद उसका गला घोंट देते हैं। सीटी स्कैन करवाकर गर्भ में भी लिंग परीक्षण करवाते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर कानूनी प्रावधानों के बाद भी इस कुकर्म को अंजाम देते हैं। हमारा देश विकास की दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बेटियों को बोझ ही समझा जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है और कहीं ना दहेज प्रथा ने ही ऐसी स्थितियों को और बढ़ाया है। शिक्षित होने के बावजूद भी वंश बढ़ाने के नाम पर गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है। कभी परिवार के दबाव में तो कभी महिलाएं खुद भी इस कुकर्म को अंजाम देती हैं। एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले आपको जयपुर लेके चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने इस पूरे मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, बेटी की चाह में कहीं ना कहीं बेटी को जन्म नहीं दिया जा रहा है। बोलियो राजस्थान के कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं क्या लगता है कैसे रोका जाए कन्या भ्रूण हत्या। बिल्कुल, हमें एक सामाजिक सोच को बदलना होगा। निश्चित तौर पर जहाँ एक बेटा माँ बाप की सेवा करता है, उससे कहीं ज़्यादा बेटियाँ उस भावना को समझती है, उनके दर्द को समझती है। आज हम अस्पतालों में देखते हैं कि जब कोई माता पिता बीमार होकर आते हैं, बेटे से पहले बेटी पहुंचती है, उसकी सेवा करती है, उनकी सेवा करती है। टोल फ्री नंबर जो दे रखे हैं सरकार ने, गांव और ढाणी दूर दराज तक उनका रेस्पॉन्स शायद ही मिलता है। दबंग लोग हैं जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं, उन तक ये कानून शायद लागू नहीं रहता है। ऐसा चीज़ देखने में आ रही है कि दहेज के लिए, भ्रूण हत्या के लिए आज आए दिन जो कुकृत्य हो रहे हैं, उन पर सरकार को पूरी तरह रोक लगाना अति आवश्यक है। एक माँ जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता, जब बेटी ही नहीं होगी, उसको गर्भ में मार दिया जाएगा, तो एक माँ, एक बेटी, एक बहन कहाँ से होगी। आज 60% लड़के अनमैरिड हैं। उसका कारण ये है कि हम बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं, तो ये एक घिनौना पाप है जिसको सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, स्टिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। PCPNDT जो एक्ट है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। आज एक सोनोलॉजिस्ट, कोई रेडियोलॉजिस्ट, कोई भी दलालों के बीच में फंस जाता है, लालच देकर उनसे भ्रूण का पता लगाया जाता है कि लड़का है या लड़की, और लड़की होती है तो उसको वही मार दिया जाता है जो कि बाप है। इस पाप को रोकने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और इसकी सख्त जरूरत है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सख्त कानून बनाने की जरूरत है। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ही देखने को मिल रहा है कन्या भ्रूण हत्या के मामले, किस तरह रोक लगाई जा सकती है? मेरी ये मानना है कि जो लड़कियां हैं सबसे ज्यादा उनको पढ़ाए और आगे से आगे उनको परिवार कल्याण और परिवार नियोजन और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में उनको समझाए, और जब वो ससुराल जाएगी सबसे पहले बेटी ही बेटा माने और ससुराल में भी उनको ये शिक्षण मिले और कन्या भ्रूण हत्या है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है क्या दहेज के चलते बेटियों को जन्म नहीं दिया जाता? मुझे लगता है सबके पीछे सोच है, इंसान की सोच है, और सोच सही होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान की एक सोच है कि बेटी पैदा होगी उसको दहेज देंगे, ये करेंगे। अगर अपन बच्ची को शिक्षित करेंगे तो सब कुछ होगा। और सामने वाले इंसान है, आदमी है, वो सोचते हैं लड़की दहेज लाए, दहेज क्यों लाए, वो शिक्षित होके आए। अपनी सोच ये हो, लड़का लड़की एक समान है। आज लड़की भी कमा रही है, लड़के भी कमा रहे हैं, सब एक जगह है। तो आप अपनी सोच को बदलो। समाज अगर सोच को बदलेगा तो कोई भी राजनीति दल, कोई भी लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेटा बेटी को समान मानोगे, किसी प्रकार का दहेज नहीं लोगे, तो माँ बाप का डर ही खत्म हो जाएगा कि बेटी पैदा होगी हमें दहेज देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है उनकी, इसलिए वो आने से पहले शायद उनको मार देते हैं। क्या लगता है कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करने की जरूरत है? बिल्कुल, शिक्षा हर जगह होनी चाहिए, हर इंसान शिक्षित होना चाहिए, छोटी ढाणी वगैरह हर जगह। हर इंसान अगर शिक्षित होगा तो सब कुछ होगा।
होगा। लड़की अगर शिक्षित होगी तो वो सब कुछ कर सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, समाज को संभाल सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर शिक्षा के अभाव के चलते कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जाते हैं। जरूरत है सरकार को कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की, साथ ही साथ शिक्षा की कमी के चलते भी कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभियान चलाते हुए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आएगी। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। कन्या भ्रूण हत्या एक बेहद ही नाजुक मुद्दा है, इसे समझना और लोगों को समझाना बेहद ही जरूरी है। इसी मुद्दे की इसी खान मुहिम के साथ इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम जनता के बीच पहुंची है। देखिए अजमेर से जावेद खान की ये रिपोर्ट। जिस तरह देखा जा रहा है कि देश प्रदेश के अंदर जो है कन्या भ्रूण हत्या पे अब तक अंकुश नहीं लग सका, देश पूरा साक्षर हो गया है, जानकारी सबको है, लेकिन फिर भी जो है कन्या भ्रूण हत्या का जो सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, कुछ पाल छात्र छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि बेटी कन्या जो है सबको चाहिए, लेकिन गर्भ में उनको मार दिया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, जैसे सरकार को पहले इसका कदम उठाना चाहिए। लाइक जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो सोनोग्राफी होती है, वहाँ जाके हमें पहले ही सोनोग्राफी चेक करनी चाहिए, जिससे कि पहले ही पता लग जाए कि लड़का है या लड़की। तो इतना आगे तक मतलब लोग कदम ही नहीं उठाएंगे लाइक लड़की को मारने का ऐसे। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि सरकार को जो है सोनोग्राफी सेंटर के ऊपर ही अंकुश लगाना चाहिए कि अगर कोई वहाँ जाके जांच कराता है तो उसी जांच के ऊपर वहीं आदमी को पकड़ लेना चाहिए या सोनोग्राफी सेंटर पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर अंकुश लग सकेगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, एक्चुअली गर्भ में मारना मतलब एक्चुअली वो गुनाह ही है, डिक्लेयर हो ही चुका है अभी एक्चुअली। पर एक्चुअली आप सोचेंगे ना तो आप वंश आगे बढ़ा नहीं सकते, अगर लड़की नहीं होगी परिवार आगे बढ़ेगा कैसे? और अगर शिक्षा अगर लड़कियों को भी नहीं मिलेगी तो हम जहाँ पे अभी सीट्स रिजर्व कर रहे हैं लड़कियों के लिए या फिर लेडीज़ के लिए, जो सीट्स रिजर्व हो रही है पार्लियामेंट में भी हो कहीं भी हो, वो सीट्स का रिजर्वेशन करके फिर फ़ायदा क्या? अगर लड़कियाँ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या हो सकता है उसके बारे में? तो अभी मेरा अभी मैडम ने जैसे बताया वैसे सोनोग्राफी पे तो पाबंदी लगाई गई है अभी, और मुझे लगता है कि लड़कियों का अगर शिक्षा भी अगर ये कर देंगे, फ्री कर देंगे तो अच्छा कदम होगा। तो फिर बिल्कुल सही बात कही है कि शिक्षा अगर लड़कियों की पूरी तरीके से फ्री हो जाए तो शायद माता पिता या कोई भी गर्भ के अंदर लड़कियों को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि लड़की एक बहुत बड़ा खर्चा है। आप किस बारे में क्या? मेरी इस बारे में सलाह है कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत अपराध है, गरीब परिवार के लिए भी बहुत गुनाह के लिए कारक है। और जैसे हम जाते हैं गरीब लोगों के पास और अधिक से अधिक निम्न लोग के वर्ग हैं वो बेटी की शिक्षा नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो सरकारी से कर्मचारियों के नियुक्त करना चाहता हूँ कि खैर वो अपनी बेटियों और सभी बेटियों की शिक्षा मुफ्त में कराई जाए, 8 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बेटियों की जो है शिक्षा है बिल्कुल मुफ्त तो होनी चाहिए। देखिए कानून इतना सख्त है उसके बावजूद भी मतलब इस तरीके की हत्याओं के ऊपर अंकुश नहीं लगा, किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए सरकार के पास में जिस पे इस पे अंकुश लग जाए? जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ही लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए और स्ट्रिक्ट सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि मेन डॉक्टर ही है जो बताता है कि लड़की है लड़का है। तो अगर वो अपन सख्ती से पालना करें, मेडिकल विभाग को बहुत सख्त डॉक्टर एक मिसाल कायम करें, तो फिर डॉक्टर लोग में एक भय का माहौल बनेगा। ये भी भाई कुछ हद तक सही है कि डॉक्टर्स के जो कारण है सब मुख्य कारण तो डॉक्टर ही है, वही बताता है कि गर्भ के अंदर लड़की है या लड़का है, अगर उन्हीं के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए तो शायद इस कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लग सकेगा। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अजमेर के बाद चलते हैं जोधपुर, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों कन्या भ्रूण हत्या इस तरह बढ़ती जा रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है? बोलियो राजस्थान के एक खास कार्यक्रम में इंडिया न्यूज ने लोगों से उनकी राय जानी है, तो देखिए जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार की रिपोर्ट।
राजस्थान कन्या भ्रूण हत्या के मामले में एक बदनाम प्रदेश है। यहाँ अभी भी लड़कों को लड़कियों पर तरजीह दी जाती है। लड़के का जन्म होने पर घर में उत्सव होता है, जबकि लड़की का जन्म होने पर मायूसी छा जाती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, ऐसा फ़र्क क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि लड़के जो है परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन आज के संदर्भ में लड़कियां सबसे आगे है, वो भी परिवार का नाम रोशन करती है, हर फील्ड में वो अग्रणी रहती है। तो आज जो परिप्रेक्ष्य में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है वो बिल्कुल गलत है। ये अभी मालूम नहीं चलेगा, आने वाले 20-25 साल बाद में मालूम चलेगा कि आप बच्चों के लिए दुल्हन कहाँ से लाओगे। जब कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी तो आप दुल्हन कहाँ से लाओगे। तो इस नज़रिए को देखते हुए इस बैलेंस को बनाना है, और कन्या भ्रूण हत्या के अंदर गवर्नमेंट को इतना पाबंद करना है, इतना करना है, गवर्नमेंट कर भी रही है मगर कुछ सख्ती करनी चाहिए। आज भी लोग कर रहे हैं, छुपके परीक्षण कर रहे हैं, उनका गर्भ लिंक का जो कर रहे हैं वो गलत है इसके लिए। और गवर्नमेंट चाहती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये है, ये नारा बुलंद करना है, इसको आगे ले जाना है जिससे कन्या भ्रूण हत्या रुके और भविष्य के अंदर बेटियां भी अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। इतनी सब जागरूकता के बाद भी अभी भी लिंग परीक्षण जारी है। भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने का अर्थ भी यही माना जाएगा कि इसके बाद में अगर कन्या लिंग मिलता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसका गर्भपात करा दिया जाएगा। जोधपुर में एक डॉक्टर चौथी बार ऐसे मामले में अभी हाल ही पकड़ा गया है, आप क्या मानते हैं? कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण परीक्षण, इन सब के पीछे मेन जो कारण है वो मैं समझता हूँ लचर कानून व्यवस्था है। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक डॉक्टर अगर चौथी बार राजस्थान में पकड़ा गया है तो उसकी आप हिम्मत देख सकते हैं, उसको मालूम है कानून से उसका कुछ बिगड़ना नहीं है और वो लगातार भ्रूण परीक्षण किए जा रहा है, उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पहला कारण तो है कि भ्रूण परीक्षण पे ऐसा कानून बने जिसमें बलात्कार वो फांसी की सजा जैसा जैसा प्रावधान है वैसा कोई प्रावधान हो, अगर कोई एक बार पकड़ा जाए तो दूसरी बार उसके डॉक्टरी पेशे पर भी अगर रोक लगाई जा सके तो संभव ऐसा किया जाना चाहिए। राजस्थान में जहाँ महिला शक्ति को इतना बढ़ावा मिलता है, महिला शक्ति को पूजा जाता है, उस एरिया में अगर भ्रूण हत्या भ्रूण परीक्षण जैसे मुद्दे होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है ये, और इस पर सरकार को कुछ किया जाना जरूरी है। जनता में जागरूकता सबसे पहली होनी चाहिए। भ्रूण परीक्षण क्यों किया जाता है, इसका मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये बात, कन्याओं को सुरक्षा न मिलना। आज जमाने में लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि घर में अगर बच्ची हुई उसको पढ़ाना लिखाना आगे भेजना ये हम सब के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, और उसमें पुलिस हमारे साथ नहीं है, कानून व्यवस्था हमारे साथ नहीं है और लड़कियों की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। लड़की को एक बड़ा करना परिवार वालों की जिम्मेदारी होता है, उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी होती है, उसे पढ़ाना लिखाना ये सब जिम्मेदारी होती है और शायद लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं, इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या अभी तक प्रचलित है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। गर्भ में ही भ्रूण की जांच कर कन्या भ्रूण पाए जाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं लड़का लड़की का भेदभाव समाप्त होने से ही कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है। सीधे चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कन्या भ्रूण की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बालिका आने से पहले उसकी कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है ताकि बालिका बोझ बने, लोगों में सामाजिक बन गई है कि बालिका एक बोझ है, उसको देखकर जो है लिंग अनुसार उसका कृपा के समय उसकी हत्या कर दी जाती है। और बालिका की हत्या को रोकने के लिए कन्या भ्रूण रोकने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से इनको रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जो कन्या भ्रूण की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है उसको क्या करना चाहिए? जी सर, मैं तो यही कहती हूँ, ये जो अपनी चल रखे हैं ना प्राइवेट क्लिनिक वगैरह में पैसे लेके, तो सबसे पहले तो उन पर ही निगरानी रखे कि वो लोग कहीं अपने को नॉलेज में नहीं है और वो कोई ऐसा काम अंदर का करे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो सारा कुछ रूल्स ही चेंज हो गए हैं, तो पहले तो उन पर ही निगरानी रखे। और दूसरा अवेयर करें लोगों को कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। आज के ज़माने में उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए कि भाई देखो आज उस लड़की ने या उसने इतना वो उस मुकाम पर पहुंच गई है, तो शायद थोड़ा कम हो सकता है। लोगों के मुकाम तक पहुंचे, लोगों में जागृति आए, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए कन्या भ्रूण रोकने के लिए?
पहली बात तो ये कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है, और दूसरी बात ये कन्या को जीवन दान देना चाहिए क्योंकि वो अपना भविष्य है। आप क्या मानते हैं कन्या भ्रूण हत्या करते नहीं? आप जो भी आप जो भी कन्या की जिस हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, आपको क्या मानते हैं? तो कानून में संशोधन कर सख्त कानून बनाए जाने चाहिए उसके, और जैसा मैडम ने बताया कि जगह जगह नर्सिंग होम खोल रखे हैं, उन पर एकदम निगरानी रखनी चाहिए, और उसकी निगरानी रखते उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर जानी चाहिए। जितनी सख्त कार्रवाई होगी उतनी ये घटनाएं घटेंगी, और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। जितना इनको अपन पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उससे सबको जागरूक होंगे और महिलाएं भी जागरूक कर सकेंगी सब। जो भी है आपके क्या विचार है आपके कन्या भ्रूण को रोकने के, क्या करना चाहिए? ये सब लोगों ने बोला है कि जहाँ पे भी ये प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं इन लोगों पे थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए, और दूसरा ये कि लोगों में ज़्यादातर महिलाओं को ये चीज़ समझाई जाए कि तुम्हें यदि घर वाले भी कहते हैं तो तुम भ्रूण हत्या मत करो। बीकानेर के लोगों का मानना है कि नवजात कन्या होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है ताकि बालिका नहीं कोख से पैदा नहीं हो, लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि जो है कन्या भ्रूण ये जांच है, जांच जो हॉस्पिटल में जांच की जा रही है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, वहीं बालक और बालिका में किसी तरह से भेदभाव नहीं हो, इसको लेकर लोगों में जागृति होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।